हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम नॉन मेडिकल टेट जो आज एग्जामिनेशन आज कंडक्ट करवाया गया 27 नवंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश बोर्ड द्वारा, तो उसके हम साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे। जीके सेक्शन मैंने पहले इसकी वीडियो डाल दी है, तो उसको आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हु ड्राइव द रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? तो ये हल के द्वारा दी गई थ्योरी, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर टू है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर द टीचर इज? शैक्षिक मनोविज्ञान का एक अध्यापक के लिए शैक्षणिक निहितार्थ है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स, बच्चों या विद्यार्थियों को समझना, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्यवहार का अध्ययन करने की सबसे वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडी बिहेवियर इज? तो एक्सपेरिमेंटल मेथड करेक्ट होगा, प्रायोगिक विधि जो है सबसे वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर है, फिलिंग द ब्लैंक्स इंक्लूड्स द डाटा कंसर्निंग द फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो केस स्टडी में ये फैमिली बैकग्राउंड का डाटा एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट आधारित होता है, इसके ऊपर, इसके संबंधित जानकारी से ही केस स्टडी बनती है, केस अध्ययन इससे रिलेटेड है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड साइंस, ऑप्शन नंबर एक बी करेक्ट होगा, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, साइकोलॉजी इज सेड टू बी द साइंस स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का विज्ञान अध्ययन कहा जाता है। हु कुड द टर्म सीरियल पोजिशन इफेक्ट, क्रमागत स्थिति प्रभाव पद कौन कर सकता है? तो ये रिलेटेड है हरमन एबिंगहॉस के साथ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर एट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेमोराइजिंग अ पोइम? तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस इसमें यूज होती है, वितरित अभ्यास, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस? सिगमंड फ्राइड इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन इंडिया फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज एस्टेब्लिश्ड एट? तो पहली भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश हुई थी, ये क्वेश्चन हमने PYQ की वीडियो में भी किया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय? सिंगल फैक्टर थ्योरी दी थी अल्फ्रेड बिने के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अल्फ्रेड बिने हैं सिंगल फैक्टर थ्योरी के फाउंडर। क्वेश्चन 15 है, आर्चेटाइप इज अ टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद? आद्य रूप एक शब्दावली है जो संबंधित है, तो ये टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है, एसोसिएटेड है जंग के साथ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म? तो यहाँ पे ऑप्शन में जो स्किनर है ये बिहेवियरिज्म से एसोसिएट करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच मेथड ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स? तो एक्सपेरिमेंटल मेथड है इसमें करेक्ट, प्रायोगिक विधि, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉन्सेप्ट्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन आर कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड एसोसिएटेड विद? अंतर्निरीक्षण और चेतन अनुभव जैसे प्रत्यस्मरण से संबंधित है, ये संरचनावादी से संबंधित है, स्ट्रक्चरलिज्म, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, संरचनावादी। क्वेश्चन नंबर 16 है, द गोल ऑफ सोशल कॉग्निटिव थेरेपी इज बेसिकली? सामाजिक संज्ञानात्मक चिकित्सा का आधारभूत उद्देश्य है, सेल्फ रेगुलेशन इसका आधारभूत उद्देश्य है, आत्म नियमन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सोशल लर्निंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय? अल्बर्ट बंदुरा के द्वारा सोशल लर्निंग थ्योरी दी गई थी अल्बर्ट बंदुरा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अल्बर्ट बंदुरा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज टू पर्सनैलिटी इज लिस्ट डिटर्मिनिस्टिक? व्यक्तित्व के निम्नलिखित उपगमों में से कौन सा उपगम सबसे कम निर्धारणात्मक है? सबसे कम निर्धारणात्मक कौन सा उपागम है व्यक्तिगत के? तो इसमें ह्यूमनिस्टिक करेक्ट होगा, मानवतावादी जो है लिस्ट है,
ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मानवतावादी। क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, द इड इज ऑपरेट बाय द सेकेंडरी प्रोसेस, द सुपर ईगो ओबेज द प्रेजर प्रिंसिपल, सुपर ईगो प्रेजर प्रिंसिपल ओबे नहीं करता, गलत है, ईगो ओबेज रियलिटी प्रिंसिपल, बिल्कुल करेक्ट है, तो उसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ईगो जो है ओबे करता है रियलिटी प्रिंसिपल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंठा आक्रामकता परिकल्पना एज्यूम्स दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस अग्रेशन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मानना है कि कुंठा आक्रामकता को उत्पन्न करती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर बेस्ड इन अ पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग, तो इसमें होगा सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यानी कि क्रमिक संवेदनीकरण, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन डी। इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज, ऑप्शन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज, बुद्धि को इस प्रकार प्रभावित परिभाषित किया जा सकता है, नॉलेज इज ग्रेट मैन्युफैक्चरर्स एबिलिटी टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, ये भी गलत होगा, ऑल द फैक्टर दैट मेक्स पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अदर, द एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, द एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसिस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, गैलस्टॉट थ्योरी एम्फेसाइज्ड, तो ये कहता है अवर टेंडेंसी टू सी पैटर्न, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अवर टेंडेंसी टू सी पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 24 है, द टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी इन स्कैनिंग इंफॉर्मेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज कंसीडर्ड द बेस्ट, साइमल्टेनियस स्कैनिंग जो है बेस्ट है, सहकालीन अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुलर लायर भ्रम की सांस्कृतिक विशेषताओं में अधिकतर होने की संभावना है, तो वर्गाकार और आयताकार इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पीपल लिविंग इन रेक्टेंगुलर एंड स्क्वेयर बिल्डिंग्स, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, द मॉडल ऑफ मेमोरी कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी विच सर्व एज अ गेटवे टू लॉन्ग टर्म मेमोरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी, अल्पकालिक स्मृति से युक्त स्मृति का मॉडल जो दीर्घकालिक स्मृति के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये प्रतिपादित किया गया था एंटकीसन और शिफरिन के द्वारा, एंटकीसन एंड शिफरिन के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बैकवर्ड कंडीशनिंग अकर्स व्हेन कंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड फर्स्ट एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यहाँ पूछा गया था बैकवर्ड कंडीशनिंग, ओके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच मेमोरी इज द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मोटर लर्निंग प्रोसेस, तो प्रोसीजरल मेमोरी या प्रक्रिया मूलक स्मृति जो है, स्मृति यांत्रिक पेशीय अधिगम प्रक्रिया का परिणाम है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन आईक्यू इन द रेंज ऑफ मध्यम मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों में बुद्धिलब्धि का विस्तार 35-54 आईक्यू रेंज होती है। लास्ट क्वेश्चन है, टू डिज़ाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज फॉर क्लासरूम टू सूट द रिक्वायरमेंट्स of the students teachers should have a knowledge of developmental psychology, option d correct होगा। okay, तो ये 30 क्वेश्चन थे, जीके सेक्शन मैंने पहले डाल दिया है, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और बाद में कन्फर्म कर देंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच।